हाय व्यूअर्स, नमस्कार। दिल्ली वाला एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आप सबको पता है मैं डे टू डे स्टैटिक जीके का रिवीजन करवाता हूं, और ये बेस्ट तरीका है जीके स्टैटिक जीके को रिवीजन करने का। बहुत कम लोगों को पसंद आता है, लेकिन जिनको पसंद आ जाता है उनका सिलेक्शन निश्चित हो जाता है। आज मैं 17 नवम्बर के अपडेट के बारे में बात करूंगा, और इसके साथ साथ 16 नवम्बर की भी बात करूंगा, क्योंकि आगे से मेरा वीडियो एक दिन गैप करके आएगा, ताकि 2 दिन का इनपुट कवर किया जाए और आपको कम टाइम में ज्यादा आउटपुट मिले। आज बात करते हैं 17 नवंबर को 1869 में, मतलब 1869 में स्वेज कैनाल, स्वेज नहर का बन के तैयार हुआ था। फिलहाल ये इजिप्ट, हिंदी में मिस्र देश के कंट्रोल में है। और हमसे पूछा जाता है, पहला सवाल एनटीपीसी में पूछा गया है, जितने भी शिफ्ट में, कई शिफ्टों में पूछा गया है कि कब बनकर तैयार हुआ था, तो 1869 1869। उसके बाद आपसे एक सवाल और पूछा जाता है भौगोलिक दृश्य से, कि जो स्वेज कैनाल है, ये स्वेज कैनाल कौन से सागर को जोड़ता है, तो आपको याद रखना पड़ेगा भूमध्य सागर और लाल सागर, इंग्लिश में मेडिटेरेनियन सी और रेड सी को ये जोड़ता है। इसके साथ अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, आज ही के दिन 17 नवंबर को लाला लाजपत राय का निधन हुआ, महान क्रांतिकारी का निधन के बारे में आपको पता होना चाहिए। 1928 में जो साइमन कमीशन आया था, उसी में लाठीचार्ज के बाद बुरी तरह से घायल हो गए थे लाला लाजपत राय और इनकी मृत्यु हो गई। हालांकि बदले में महान क्रांतिकारी भगत सिंह और कई क्रांतिकारी मिलकर जेपी सॉन्डर्स की हत्या किया था, लेकिन ये सवाल तो इसमें आपको समझ में आ रहा होगा, 1928 में जो साइमन कमीशन आया, इससे सवाल बनता है। दूसरा सवाल बनता है कि लाला लाजपत राय को हम किस नाम से जानते हैं, तो इनको पंजाब केसरी के नाम से जानते हैं। साथ ही साथ रिविजन कीजिए, पहले मैंने बताया आपको शेर पंजाब महाराजा रणजीत सिंह को जानते हैं, और उसके बाद हम आप बात करते हैं नेक्स्ट चीज। आज ही जो 17 नवंबर है, आज के दिन हम नेशनल एपिलेप्सी डे मनाते हैं, राष्ट्रीय मिर्गी दिवस। ये राष्ट्रीय मिर्गी दिवस, नेशनल एपिलेप्सी डे पूछा गया है कई बार, लेकिन आपको ध्यान क्यों रखना है, क्योंकि ये यूनिक क्वेश्चन होता है। ऐसे क्वेश्चन का आंसर मात्र 5-10% कैंडिडेट दे पाते हैं, और अगर आप इस कैंडिडेट के लिस्ट में आते हैं, ऐसे चीजों का आप याद करना शुरू करते हैं, तो इसका मतलब आप सिलेक्शन के बिल्कुल नजदीक पहुंच रहे हैं। वरना बहुत कुछ ऐसा है जो आजकल 80% कैंडिडेट जानते हैं, 20% कैंडिडेट ही वैसे चीज जानते हैं, यूनिक चीज जिनका सिलेक्शन होना है, तो आप इन सब चीजों पर ध्यान दीजिए। अब बात करेंगे 16 नवंबर के अपडेट के बारे में। 16 नवंबर 1966 में प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, भारतीय प्रेस ट्रस्ट का वो स्थापना हुआ, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, और 16 नवंबर को ही हम नेशनल प्रेस डे मनाते हैं, राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाते हैं। इसके बाद 16 नवंबर को ही अपना जो मिहिर सेन है, इनका जन्म हुआ, ये वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। आपको ये पता होगा कि मिहिर सेन न सिर्फ भारतीय बल्कि पहले एशियाई नागरिक बने थे जिन्होंने इंग्लिश चैनल को क्रॉस किया है, लेकिन ये एक सवाल पहले पूछा जाता था। आजकल क्या पूछा जा रहा है आपसे, कि इंग्लिश चैनल को मिहिर सेन ने कब पार किया। अब ये देखिए, यही यूनिक क्वेश्चन बन जाता है, जो कि एग्जाम का लेवल बढ़ता जा रहा है, तो आपको उसके साथ मैच करना पड़ेगा। इसका आंसर है 1958 में इंग्लिश चैनल को क्रॉस किया था मिहिर सेन ने। इसके साथ साथ जो इंग्लिश चैनल है, इससे भौगोलिक दृश्य में कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला सवाल बनता है कि ये कौन से 2 देश के बीच है, तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच है। दूसरा सवाल ये पूछा जाता है कि कौन से महासागर में ये आता है, तो ये अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक महासागर में आता है। तीसरा सवाल आपसे पूछा जाता है कि कौन से जल संधि है जिसके अंदर, मतलब कौन से जल संधि में इंग्लिश चैनल है, तो स्ट्रेट ऑफ डोवर, मतलब डोवर जल संधि में ये इंग्लिश चैनल प्रेजेंट है। साथ ही साथ आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि इंग्लैंड और फ्रांस के बीच कौन सा जल संधि है, तो स्ट्रेट ऑफ डोवर है। आज के लिए इतना ही रहेगा, और पर डे अब वीडियो नहीं आएगा, आपके लिए एक दिन गैप करके आएगा, ताकि 2 दिन का अपडेट कवर किया जाए। दिल्ली वाला एजुकेशन चैनल को आप सब्सक्राइब करें, सिलेक्शन के लिए बहुत अच्छा चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको। थैंक यू, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।